तो हम लोग आ गए हैं बारी और बहुत दिनों बाद, लगभग 2 महीनों बाद यहाँ पे आए हैं। अरे मेरा पूरा ड्रेस खराब कर रहा है, गंदा बच्चा। और ये रही किट्टू और बनी जो आया है आज बाहरी खेत घूमने। इधर ले आओ, आगे ले आओ। किट्टू मेरा पूरा ड्रेस बर्बाद कर रहा है, नीचे रख दो उसको, खाएगा घास वास खाएगा। इधर 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 घास है, इस साइड में घास है। आप व्यू देखो कितना सही है गांव का। ये यहाँ पे लगभग 8-10 महीने से आ रहा है। जब ये 15 दिन का था तब फर्स्ट टाइम लाए थे इसको। वीडियो आपको मिल जाएगा अपने चैनल पे। यहाँ पे बहुत सारा खेत, ये बारे में काफ़ी सारा फसल होता है, जैसे गाजर वाजर हो जाता है। अभी तो चना साग है कुछ लगा हुआ है, ऐसा ही गाजर गाजर बहुत रहता है उस वक्त। गाजर का घास, गाजर सब कुछ ये लोग खा लेते हैं। आज गिन्नी नहीं आया है, गिन्नी को नेक्स्ट टाइम। एक बार ये गुम हो गया था, ये लोग 2 महीने का था उस वक्त। आई थिंक 4-5 बनी हम लोग ले आए थे, और हाँ तो एक बनी गुम हो गया था। यहाँ पे गोभी का था और गाजर का भी था दूसरे तरफ, तो हम लोग बहुत देर तक घूमे थे उसके बाद, ढूंढे थे सॉरी। उसके बाद फिर हम लोगों को वो छोटा सा बनी जो लगभग 1 महीने का था, वो हम लोगों को गोभी के पत्ते के ऊपर मिला था। हाँ दो तो हम लोग ढूंढ लिए थे, तो इसलिए जब वो लोग छोटे होते हैं तो नहीं लाते हैं उतना, मतलब उस वक्त बहुत दिक्कत होता है कि बहुत सारा यहाँ पे फसल वसल लगा हुआ रहता है और कहीं पे वो घुस गया। जैसे कि अगर इस बारे बारी में अगर छोटे छोटे खरगोश घुस गए तो मुश्किल होगा ढूंढना फिर, और गाजर वाजर का बारी में तो और भी मुश्किल होगा। चलो इसको खाने दो फिर, कुछ वीडियो ऐसे शूट कर लेते हैं और अगली बार फिर गिन्नी को लाइव करते हैं। अगली बार गिन्नी और इसको दोनों को लाएंगे, और उसके बाद ब्राउन कवर आपको भी लाएंगे चूहा को। चल।